हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के दिन में दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं इन दोनों वीडियो को जाके देख लीजिएगा बाकी अगर हम बात करें कल की रेट की तो कल की रेट में दो वीडियो बनाई थी एक पांच परसेंट एक दस परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया इनमें से कुछ स्टॉक चले और अगर हम बात करें यहाँ पर और भी चीज की तो कल एक चार्ट ऑफ द डे बनाया था मैंने ए, अगर इसकी बात करूं इस पर्टिकुलर शेयर की तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसे आई बटन पर लिंक दे दूंगा अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया तो आज हम बात क्या करने वाले हैं हम बात करने वाले है ऐसे सौ शेयर से रिलेटेड बात करने वाला स्टडी आपको करनी है एक तरीके का होमवर्क वो होमवर्क है जो मैं आपको पहली बार दे रहा हूँ और अगर हम देखें तो आपको उनकी लिस्ट सौ शेयर में आपको बताऊंगा उन्हें आपको चेकआउट करना है उन्हें आपको देखना है और देखने के बाद उन शेयरों को एनालाइज़्ड करना है और जो उनके बेस्ट शेयर हो ना उनको ध्यान में रखना है और उस से रिलेटेड आप कमेंट भी करिएगा कि ये शेयर बेस्ट है ये शेयर बेस्ट है जो भी आप कर सकते हैं और उससे रिलेटेड मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाता हुआ दिखा दूंगा क्यों क्योंकि वो शेयर आने वाले टाइम में भागने वाले हैं तो इससे रिलेटेड मैं आपको क्यों भागने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको यहाँ पर डेली बेसिस में मिले और जितना हो सके दूसरे लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको अच्छी तरीके केसेस सिखाया जाता है बाकी प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए और दूसरी वीडियोस को देखिए क्या-क्या आपको बताया जाता है उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको बेहतरीन शेयर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे तो देखिए जिस कंसेप्ट से मैं बातें करने वाला हूं देखिए यहां पर है निफ्टी स्मॉल कैप 100 यहां पर नि, निफ्टी स्मॉल कैप 100 के हमने ऐसे 100 शेयर मतलब निफ्टी, निफ्टी स्मॉल कैप में 100 शेयर होते हैं उन सौ शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हूं। उनकी एक लिस्ट दिखाऊंगा वो आपको चेकआउट करनी है और चेकआउट करने के बाद उनको आपको एनालाइज करना है तो मैं क्यों उस शेयर सौ शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि एक बेहतरीन गिरावट निफ्टी में होती हुई दिखाई दी है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट दस हजार रुपए दस हजार पॉइंट्स पे निफ्टी स्मॉल कैप चल रहा था तो यहाँ पर कितने पे नाइन नाइन थाउजेंड सेवन फिफ्टी पर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया था मतलब काफी अच्छी गिरावट यहाँ पर होती हुई दिखाई दी

यहां पर आप देखेंगे जब भी यहाँ पर इस तरीके से एक गिरावट आती है हाँ यहाँ पर अगर हम देखते हैं और उसी दिन में लगभग लगभग दो परसेंट या तीन परसेंट के तीन परसेंट के, के पर रिकवरी हो जाती है या निफ्टी टू है निफ्टी फिफ्टी है ये यहाँ निफ्टी स्मॉल कैप फिफ्टी है तो ये भागती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिए इसके अलावा इससे पहले कहाँ पर हुआ था इससे पहले यहाँ पर देखिए गिरावट हुई थी तो यहाँ पर गिरावट में दोबारा से यहाँ पर चीजें क्या होती हुई दिखाई दी है, है यहाँ पर से देखिए लगभग तीन परसेंट के आसपास यहाँ पर ये रिकवर होता हुआ दिखाई दिया फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सेम चीज यहाँ पर भी होती हुई दिखाई दी एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हुई और गिरावट के बाद यहाँ पर भी तीन परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग तीन परसेंट ये ये यह यहाँ पर भागता तीन परसेंट के आसपास यहाँ भागता हुआ दिखाई दिया फिर एक एक रिकवरी आ गई और उसके बाद शेयर भागते गए तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी तीन की गिरावट हुई उसके बाद भागा इसके अलावा तीन की गिरावट यहाँ पर हुई फिर यहाँ

अगर हम बात कर रहे तीन परसेंट के आसपास की या तीन परसेंट से ज्यादा की यहाँ पर क्या होती हुई दिखाई दे दि? रही यहाँ पर होती हुई दिखाई दे दि? रिकवरी और जब इस तरीके की एक रिकवरी यहाँ पर हुई ना तो क्या हुआ कि ये ये चीजें यहाँ से चलनी शुरू हो गई और ये अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर देखेंगे देखेंगे तो लगभग चार परसेंट की यहाँ पर रिकवरी छोटी सी होती हुई दिखाई दी और फिर उसके बाद चीजें चलने चली चलती चली गई तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें इस तरीके से चलती हुई नजर आ रही है और अभी भी क्या हुआ कि यहाँ पर गिरावट हुई और यहाँ पर से तीन की देखिए बहाना कुछ भी हो आप कह दो कि बी बी के कुछ रूल्स चेंज हुए इस वजह से हुआ बट कोई एक बहाना मिल गया उसकी वजह से मार्केट

निफ्टी स्मॉल कैप ये पूरा इंडेक्स ही रिकवर करेगा और जब यहाँ पर सात से दस परसेंट तक ये इंक्रीमेंट होगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में कितनी ज्यादा इंक्रीमेंट होगी तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप हंड्रेड कंपोनेंट्स यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर हम बात करें आरती ड्रग्स एजीएस एफएल इंडिया इंडस्ट्री अंबर एपीएल अपोलो अवंती फीड्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स बलरामपुर चीनी ओके इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर देख सकते हैं और भी बी एस एफ बी ई एम एल भारत डायनामिक्स बिरला कॉप बिरला सॉफ्ट ब्लू डार्ट ब्लू स्टार सी डी एस एल कैम्प सर्विस और कैन कैन uh,

एक मिनट रुकिए एक, एक मिनट दीजिए हाँ तो यहाँ पर हम जाते हैं तो फाइन ऑर्गेनिक यहाँ पर हमने यहाँ पर देख लिया था इसके अलावा फर्स्ट सोर्स फ्यूचर रिटेल जीएनएफसी जीएम फॉरलो

वेल एज well पर बात करते हैं यहाँ पर और भी शेयर है करुण बैंक के हैल्टी एम सी एक्स नेशनल एल्यूमिनियम एन बी सी सी एज वेल एज हम बात करते हैं और दस स्टॉक्स की पी एन बी हाउसिंग पी वी आर क्यू एस कॉप अगर बात करें रेडिको को आर वी एन एल रेन इंडस्ट्री रैलीस राइट्स रोजरी बायोटेक रूट मोबाइल ओके okay, और हम बात करें यहाँ पर साइंस शिल्पा आ, सोनाटा स्पार्क स्पाइस जेट स्टेरलाइट एंड विल्सन स्टेरलाइट टैक स्ट्राइट फार्मा सन टैन, टेनला प्लेटफॉर्म और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे तो यहाँ पर देखिए थायरोकेया ट्राइडेंट टीवी 18 ओजीवेन स्मॉल फाइनेंस यूटीआई बीवीआईपी इंडस्ट्रीज पकरांगी और वेल्सपन इंडिया वेस्ट वेस्टसाइड डेवलपमेंट और वॉकयार्ड तो वॉकडार वॉकहार्ड फार्मा तो हम बात कर रहे हैं 100 स्टॉक्स है इनसे रिलेटेड आपको स्टडी करनी है इनमें से बहुत सारे बेहतरीन स्टॉक्स मिलेंगे और जब ये निफ्टी स्मॉल कैप हंड्रेड ये भागता हुआ नजर आएगा आपको दोबारा तो ये जो हंड्रेड स्टॉक्स है ये भी भागते हुए नजर आएंगे ये स्मॉल कैप के हंड्रेड बेस्ट स्टॉक्स है बट इसमें से आपको uh, इस इसमें से भी आपको बेस्ट स्टॉक्स चुनने हैं जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स है वक्रांगी की बात करें दस परसेंट भागता हुआ दिखाई दिया दस परसेंट उन्नीस परसेंट मेरे पोर्टफोलियो में है वेस्टपन से वेस्ट लाइफ यहाँ पर अच्छा खासा स्टॉक है यूटीआई एम्स अच्छा खासा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस थार के रिजल्ट आने वाले हैं ट्राइडेंट भी अच्छा खासा है तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे